नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमए विद्या चैनल में। मैं हूं मुक्ता कंडियाल और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम। और आज की क्लासरूम स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को एक छोटे से इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आज है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2022। और इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम अपने एंड से आज एक स्पेशल क्लासरूम और ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे सेंसिटिव हैंड्स की और हम बात करेंगे एक ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग की जिसमें एक ब्लाइंड स्टूडेंट्स और जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है ऑफ मेडिकल टेक्टिकल एग्जामिनेशन। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ भी मौजूद हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड। और जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद है हमें इस ट्रेनिंग के बारे में और इस वोकेशनल मॉड्यूल के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए सबसे पहले मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। तो सबसे पहले हमारे साथ जो आज मौजूद है वो है सोनल प्रकाश, जो कि एमटी में मास्टर ट्रेनर है। वेलकम मिस सोनल। और दूसरी गेस्ट जो हमारे साथ आज मौजूद हैं वो है शबीना, जो कि ट्रेनी है। वेलकम मिस शबीना। और जो तीसरी हमारे साथ एक्सपर्ट आज जुड़ी हैं वो है फरहीन, जो कि मेडिकल टैक्टाइल एग्जामिनर है। वेलकम मिस फरहीन आपका। तो इस सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूँगी अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो इस सेशन के लिए जो हमारा आज ये स्पेशल सेशन है, तो आप हमें ज़रूर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। आप चाहें तो ईमेल के द्वारा भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस है dth.class12@cit.nic.in। और चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं मिस सोनल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो स्पेशल आप वोकेशनल ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं, तो इसकी क्या क्या आप इसमें चार्जेस होते हैं, क्या क्या आप टाइम पीरियड है इस ट्रेनिंग का, और इसमें क्या क्या जैसे हमें जानना हो इसके बारे में, तो कैसे एक स्टूडेंट इसमें इनरोल कर सकता है इस ट्रेनिंग में? मैं ये ट्रेनिंग नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वेमेन न्यू दिल्ली में हो रहा है। ये ट्रेनिंग जर्मनी से आई है। जर्मनी में ये 2005 में स्टार्ट किया गया था डॉक्टर फ्रैंक हॉफमैन के थ्रू। वो वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हैं एंड उन्होंने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की फॉर टोटली ब्लाइंड एंड लो विजन गर्ल्स, बिकॉज उनकी फिंगर की सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है इन कंपैरिजन टू अ साइटेड पर्सन। तो ये क्या करते हैं, ये अपने फिंगर से ब्रेस्ट में एबनॉर्मैलिटीज ढूंढते हैं एंड फिर वो डॉक्टर को रिपोर्ट करते हैं कि क्या उन्हें मिला है ब्रेस्ट में एबनॉर्मल। ये ट्रेनिंग टोटल 1 ईयर की होती है, जिसमें कि फर्स्ट 3 मंथ्स हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, इनका बेस बनाते हैं, बिकॉज जब भी हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं तो उनका साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। ये पूरी ट्रेनिंग इंग्लिश में, इस पूरी ट्रेनिंग का करिकुलम है, तो उसमें इंग्लिश का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें हम बेस पहले बनाते हैं। उसके बाद फिर 6 मंथ्स की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम इन्हें एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सारी डिटेल्स देते हैं। एंड डॉक्टर कंचन कौर, जो मेदांता के ब्रेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, वो इनकी ट्रेनिंग लीड करती है, जो प्रॉपर मेडिकल ट्रेनिंग होती है। एंड उसके बाद 3 मंथ्स की इनकी इंटर्नशिप होती है, जो ये हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा कि सोनल आपने हमें बताया कि आपके जो भी स्टूडेंट्स इसमें इनरोल करते हैं मोस्टली दे आर फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड, और ये ट्रेनिंग ही एक तरह से मेडिकल रिलेटेड है, मेडिकल ओरिएंटेड है, तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्ट ये स्टडी है, ये ट्रेनिंग है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस इसमें फेस करने पड़ते हैं? एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये फंडिंग का चैलेंज होता है, बिकॉज हम ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो भी ट्रेनीज आते हैं उनको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं करना पड़ता है, इनकी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सिंस इसमें बहुत लंबे टाइम की ये ट्रेनिंग है, तो हमें इन्हें अकोमोडेशन भी देना होता है, बिकॉज अगर हम अकोमोडेशन नहीं देते हैं तो एक ब्लाइंड लड़की के लिए कहीं दिल्ली में आके रहना और ऐसी ट्रेनिंग 1 साल तक करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम फंडिंग का आता है। सेकंड प्रॉब्लम आता है इंग्लिश का, बिकॉज इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओ या इवन प्राइवेट स्कूल में भी इंग्लिश का वैसा बेस नहीं बन पाता है जितना एक साइटेड का बन पाता है, बिकॉज एक नेग्लिजेंस होता है स्कूल में कि ब्लाइंड है तो इनको बस पास करवा दो, तो उस वजह से हमें इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम होता है।
देन साइंस, बिकॉज इन साइंस बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं तो हमें बिल्कुल इन्हें स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, इन्हें सेल समझाना पड़ता है, सेल क्या होता है, सेल म्यूटेशंस क्या होते हैं, बिकॉज अगर वो सेल म्यूटेशन की वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है, तो अगर सेल म्यूटेशन नहीं समझेंगे तो ये प्रॉब्लम भी नहीं समझेंगे. तो हमें साइंस, अगर इनका स्कूल में साइंस का बेस बनता है, उसके बाद फिर ये जब हमारे पास आते हैं, बिकॉज हमारा एंट्री क्राइटेरिया ही है 12th. ओके. तो उसके बाद जब ये हमारे पास आते हैं तो एटलीस्ट हमारा वो फर्स्ट 3 months कम हो जाता है, वो हमें एक एड ऑन नहीं करना पड़ता है. प्लस इनका बेस होता है तो जो हम पढ़ाते हैं इनको, तो इनको जल्दी समझ आता है. ओके. तो यानी आप बेस लेके चलते हैं, पहले आप साइंस की इनको थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं, साइंस के जो भी टर्म बेसिक टर्म्स होते हैं इस ट्रेनिंग के लिए आप उनको समझाते हैं. तो आगे इस सेशन को जारी करने से पहले मैं एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी. ये जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड और लो विजन बच्चों के लिए, नॉट फॉर साइटेड पीपल, नॉट फॉर साइटेड चिल्ड्रन. और सुनल जी, अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो ये आपका जो एक नया आपका इनोवेटिव है, ये डिस्कवरिंग हैंड्स इंडिया, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए. डिस्कवरिंग हैंड्स इंडिया नैब इंडिया सेंटर ही इंडिया में लेके आया है. हमने ये ट्रेनिंग 2017 में इंडिया में स्टार्ट की है हॉसखास सेंटर से. एंड उसमें जो पहला बैच गया था ट्रेनर्स का, हमारी ट्रेनिंग जर्मनी में हुई है. ओके. जो डिस्कवरिंग हैंड्स का जो पेरेंट है जर्मनी, वहाँ से हुई है. एंड उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट की है. एंड इसमें हम इनको सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं. टैक्टाइल स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, लाइफ स्किल्स होती है, होम साइंस होता है. बिकॉज इस ट्रेनिंग के, एक साल की ट्रेनिंग के बाद इन्हें हॉस्पिटल में जाके काम करना होता है. और अगर हॉस्पिटल में काम करना है तो हम सबको पता है हॉस्पिटल हमारे घर के पास होता नहीं है. तो जैसे हम बाहर जाके, एज अ साइटेड पर्सन हम बाहर जाके पीजी या रूम लेके रहते हैं, जॉब करते हैं, वैसे इन्हें भी करना होता है. तो हम उसके लिए भी इन्हें कम्प्लीटली प्रिपेयर करते हैं. यहाँ पे मैं एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे दोबारा आया, जैसे कि आपने बताया कि आपकी ट्रेनिंग जर्मनी में हुई, राइट? और ये पूरा ट्रेनिंग का ही जो एम्फेसिस है वो है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे और फॉर लो विजन प्रॉब्लम. तो ऐसे में जैसे आप फुल साइटेड है, तो इसमें आपने कैसे इस ट्रेनिंग को कम्प्लीट किया? हमारी पूरी ट्रेनिंग ब्लाइंड फोल्ड होके हुई थी. ओके. जो भी इसमें टेक्निक्स यूज होते हैं प्रैक्टिकल्स के हैं या फिर थ्योरी भी जो हमें पढ़ाया गया है, तो हमारी ये भी ट्रेनिंग हुई थी कि एज अ साइटेड पर्सन आप ब्लाइंड को कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे समझाओगे. ओके. बिकॉज जर्मनी में तो फिर भी ठीक है, उनका सेम लैंग्वेज में उनकी पूरी उनका पूरा करिकुलम है, बट इंडिया में इनका मेन लैंग्वेज हिंदी हो जाता है. बिल्कुल. इंग्लिश है नहीं, तो बट हमारा सारा करिकुलम इंग्लिश में है. तो उसकी वजह से फिर हमें समझाना पड़ता है, हमें फिर बहुत टाइम हिंदी के वर्ड्स भी खोजने पड़ते हैं कि ये मेडिकल टर्म है तो उसको हिंदी में हम कैसे समझाएं, बिकॉज उन्होंने कभी वो टर्म सुना ही नहीं होता है. बिल्कुल. तो जैसे कि आपने ये डिस्कवरिंग हैंड प्रोग्राम के बारे में हमें बताया, तो इसकी आपने शुरुआत कैसे करी या फिर इसके पीछे जो आइडिया था इसे शुरू करने का वो क्या था? जैसे मैंने आपको बताया, ये जर्मनी में स्टार्ट हुआ था. डॉक्टर फ्रैंक हॉफमैन ने स्टार्ट किया था. वो जर्मनी में गायनेकोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने उनका दो मोटिव था ये स्टार्ट करने का. फर्स्ट, एक वोकेशन स्टार्ट करने का फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, बिकॉज मेडिकल फील्ड में बहुत कम ही वोकेशंस हैं. जैसे कि हमारे सेंटर में एक और ट्रेनिंग होती है, स्पा की ट्रेनिंग होती है, जो हॉस्पिटल्स में थेरेपीज देते हैं या फिर किसी, जैसे हमने पेयू में भी बहुत लोगों को प्लेस किया है. वहाँ पे जैसे आजकल की लाइफस्टाइल हो गई है, आप 8-8 hours कंप्यूटर पे बैठे रहते हो तो आपको बैक में प्रॉब्लम हो जाती है, स्पॉन्जिलाइटिस हो जाता है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए. तो सिर्फ एक वही थी मेडिकल फील्ड में. तो उनका मेन मोटिव था एक और वोकेशन स्टार्ट करना मेडिकल फील्ड में फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. सेकेंड, टू प्रोवाइड अर्ली डिटेक्शन स्क्रीनिंग मेथड फॉर वुमेन ऑफ ऑल एजेस, बिकॉज इंडिया में 40 ईयर्स के बाद मैमोग्राफी के लिए जाते हैं. तो अगर उससे पहले किसी को चेकअप करवाना है, प्रिवेंटिव चेकअप करवाना है, तो वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल.
धन्यवाद इन जानकारी के लिए। और अब मेरा अगला सवाल फरहीन से है, जो कि मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर है, उन्होंने यही ट्रेनिंग करके और उस वक्त वो अब MTE है। तो फरहीन जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपका ये जो भी वर्किंग टाइम, जब की वर्किंग पीरियड रहा हॉस्पिटल्स में काम करने का, तो इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, या फिर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और चैलेंजेस की जहाँ बात आती है, वहाँ पे ये होता है कि जब हम जाते हैं हॉस्पिटल वर्क करने के लिए, तो वहाँ पर हमें पहले तो मूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे हम वो भी सीख जाते हैं। एंड दूसरा, पेशेंट को कन्विंस करना होता है तो हम कर लेते हैं, बट वहाँ पे डॉक्टर्स जो होते हैं उनको कन्विंस करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डॉक्टर्स के अंदर ये होता है, वो कहते हैं क्या कि सोनोग्राफी मेमोग्राफी फिर से हो जाएगा, यहाँ हैंड से चेक करके क्या बताएंगे, ये वहाँ पे ये बात आ जाती है। ओके और फरहीन जी, जैसे कि आपने आपका एक्सपीरियंस रहा है वर्किंग इन हॉस्पिटल, तो एक डे टू डे बेसिस में आप कितने पेशेंट्स को हैंडल करते थे, कितने पेशेंट्स की आप एग्जामिन करते थे, कितने पेशेंट्स को? एक दिन में हम 7 to 8 पेशेंट हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके ओके और अगर कभी इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो, अगर कभी आपसे बोला जाए कि 7 to 8 पेशेंट से ज़्यादा आपको एग्जामिन करना हो, तो फिर उस केस में क्या करते थे आप? ऐसे तो हमारा है कि हम 7 to 8 पेशेंट ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो हमारी फिंगर होती है वो फील करना बंद कर देती है। okay. फिर हमें महसूस नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। ओके ठीक है, धन्यवाद फरीन आपका। तो अब मेरा अगला सवाल शबीना से है, जो कि ट्रेनी है NAB में। तो शबीना जी, कैसा आपको क्या क्या सीखने को मिलता है अपनी इस ट्रेनिंग में जो आप NAB में ले रही हैं फिलहाल, इस वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या क्या आपको सिखाया जाता है, और क्या आपको बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैम, मैं ये बताना चाहूँगी कि इस ट्रेनिंग में फर्स्ट तो ये है कि हमें साइंस पढ़ने को मिलती है, और सेकंड, पहले मैं साइटेड थी तो तब तो मैं सारा काम देखकर ही करती थी, बट अब मुझे सब टच कर ही करना पड़ता है, फील करके। ओके तो ये एज अ चैलेंज भी आपको फेस करना पड़ रहा है? मैम ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया आप साइंस पढ़ते हैं, तो क्या आपने आपकी 12th तक क्या आपने साइंस पढ़ी थी, या आपने इस ट्रेनिंग में आकर ही, इस वोकेशनल ट्रेनिंग में आकर ही साइंस पढ़ी, साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा? नो मैम, मैंने 12th तक साइंस नहीं पढ़ी है, मैंने ओनली 8th तक साइंस पढ़ी थी, और उसके बाद फिर टीचर्स लोग ये कहते थे कि अब तुम ब्लाइंड हो गए हो, तो अब तुम साइंस कैसे पढ़ोगे, देख ही नहीं पाओगे, डायग्राम्स कैसे देखोगे, तो अब आप साइंस नहीं पढ़ सकते, ऐसा बोलते थे वो। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ काफ़ी, मतलब लेट ब्लाइंड हूँ मैं, काफ़ी टाइम के बाद ऐसे ही चलता रहा, फिर मुझे यहाँ नैब सेंटर में साइंस पढ़ने का मौका मिला, तो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ साइंस। ओके तो सोनल जी, ऐसा शबीना ने बताया कि उन्हें 8th के बाद साइंस छोड़नी पड़ी, तो आपको ये लगता है कि अगर उन्होंने 8th के बाद साइंस कंटिन्यू करी होती और आफ्टर 12th वो इस वोकेशनल ट्रेनिंग में एनरोल हुई होती, तो उनके लिए थोड़ा आसान होता इस पूरी ट्रेनिंग को समझना, या फिर? ऑब्वियसली, अगर जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि हम पहले के 3 महीने हम बेस बनाने में लगाते हैं, बिकॉज अगर इनका ऑलरेडी ये साइंस पढ़ के आए हैं, तो हम डायरेक्ट इनको, हमारा वो ट्रेनिंग से वो 3 months और कम हो जाएगा, फिर हमारे पास और ज़्यादा टाइम होगा और लोगों को ट्रेन करने में, फिर इनकी प्लेसमेंट्स जल्दी होंगी, हॉस्पिटल्स में काम कर पाएंगे जल्दी। और अगर साइंस का बैकग्राउंड अगर हमें मिलता है, तो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो सारा समझने में ज़्यादा ईजी होता है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप 3 months शुरू के वो थोड़ा साइंस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर रखते हैं, लेकिन अगर जैसे आप मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट 12th तक साइंस पढ़ा है या 10th तक भी साइंस पढ़ा है, तो क्या आप मतलब इन स्टूडेंट को साथ में लेके ट्रेनिंग करते हैं, या जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं आप उनका अलग बैच फॉर्म करके देन आप अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं? नहीं, अगर कोई हमारे पास ऐसा कैंडिडेट आता है जिसका बैकग्राउंड साइंस का है, तो फिर हम उन्हें वो 3 months की ट्रेनिंग के बाद बुलाते हैं। ओके उस बीच में हम फिर उन्हें साइंस का भी उनको देते हैं, ताकि उनको रिफ्रेशमेंट, उनका एक रिफ्रेशर कोर्स हो जाए, हमारे लिए भी इजी होता है, उनके लिए भी इजी होता है। साथ साथ हम इन्हें कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग देते हैं, बिकॉज इसमें इन्हें कंप्यूटर आना भी ज़रूरी है।
अच्छा। ये जो भी रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन इनका कंप्यूटर पे होता है। तो कंप्यूटर भी आना इनके लिए ज़रूरी है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आना ज़रूरी है, बिकॉज आपस में बात करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, पेशेंट से कैसे बात करना है, डॉक्टर से कैसे बात करना है, डॉक्टर्स की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है इन कंपैरिजन कि हम जैसे बात करते हैं, तो इनको वो सारी लैंग्वेज सीखनी होती है। तो हम वो 3 मंथ्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बट अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है तो हम उनका फोकस किसी और चीज़ में ज़्यादा देते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप ये आप वोकेशनल ट्रेनिंग नैप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, किस तरह से ये ट्रेनिंग जो उनको आगे करियर बनाए, मेडिकल फील्ड में अगर वो करियर बनाना चाहते हैं, तो ये ट्रेनिंग किस तरह से उनको एड कर सकती है? यहाँ पे हम उन्हें एज अ असिस्टेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, बिकॉज हॉस्पिटल्स में भी मैनुअल स्क्रीनिंग होती है, बट डॉक्टर्स 5 मिनट्स देते हैं, 10 मिनट्स, वो बिकॉज उससे ज़्यादा उनके पास भी टाइम नहीं है। हमें भी पता है कितना वर्कलोड होता है डॉक्टर्स पे। सो अगर कोई भी लेडी आती है एग्जामिनेशन करवाने के लिए हमारी MTE के पास, तो वो उन्हें 30 to 45 मिनट्स दे रहे हैं एक एग्जामिनेशन में, तो वो बहुत थरो एग्जामिनेशन हो रहा है। प्लस मेडिकल फील्ड में अगर जैसे हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी आए हैं जिनका एक ड्रीम था कि वो मेडिकल फील्ड में काम करें, बट बिकॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वो काम नहीं कर पाए हैं, तो वो आके हमसे ट्रेनिंग लेके, जो हमारी 1 ईयर की ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के बाद फिर वो हॉस्पिटल में एज एन MTE, एज एन असिस्टेंट टू ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आप अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं, तो इस ट्रेनिंग का आप एक एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब किस तरह, मतलब क्या आप क्राइटेरिया आपने सेट कराया है जो स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग में एनरोल कर सकते हैं? हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स के लिए, जो ट्रेनीज होते हैं उनके लिए है, वो एटलीस्ट 12th तक पढ़े हुए हों, और एटलीस्ट अभी जो इंडिया का सिचुएशन है, जो स्कूल का सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 8th तक पढ़े हों साइंस, एंड एज 20 to 55 हम लेते हैं, बिकॉज 20 ईयर्स में एक मेच्योरिटी लेवल आ जाता है, बिकॉज जो हम उन्हें सिखा रहे हैं मेडिकल फील्ड में काम करना है, तो उसमें एक मेच्योरिटी लेवल चाहिए टू डील विद द पेशेंट एंड एवरीथिंग, तो इसलिए हम 20+ ही लेते हैं एंड मैक्सिमम 55। एंड अगर उन्हें बेसिक कंप्यूटर, बेसिक इंग्लिश का है नॉलेज, देन इट्स एन एडवांटेज फॉर अस। तो जैसे कि आपने बताया अपने बैच में कम से कम 18-20 बच्चे एनरोल करते हैं, तो आप इसको मतलब नोटिफाई कैसे करते हैं, बच्चों को कैसे पता चले कि बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, या इस तरह का कोई वोकेशनल ट्रेनिंग भी है, तो आप किस तरह से मतलब इसको अवेयर, अब बच्चों में अवेयरनेस पहुंचाते हैं इस वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए? आई वॉन्ट टू करेक्ट यू, हम एक बैच में 18 to 20 कैंडिडेट्स नहीं लेते हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, हमें 1-to-1 ट्रेनिंग देनी होती है, तो हम एक बैच में 7-to-8 कैंडिडेट्स लेते हैं, बिकॉज उनमें उन्हें फिर उसके बाद फिर हम उन्हें बैचेस में डिवाइड करके करते हैं, किसी को उनके टाइम टेबल्स के अकॉर्डिंग उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। सो जब भी लाइक हमारा, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी 3 मंथ्स की प्री ट्रेनिंग, देन 6 मंथ्स की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एंड उसके बाद इंटर्नशिप होती है। तो जैसे ही इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, इंटर्नशिप के 2nd मंथ से हम एडमिशन रोल आउट करते हैं, जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से हम वहाँ एप्लीकेशंस भेजते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस देते हैं, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोगों को पता चलता है, तो उसके थ्रू इन्हें पता चलता है जब एडमिशंस ऑन होते हैं। एंड उसके बाद फिर जब हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं, देन फर्स्ट उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू के बेसिस पे फिर हम उन्हें शॉर्टलिस्ट करके सेंटर पे बुलाते हैं फॉर अ 5 डेज ऑफ असेसमेंट। उस 5 डेज में हम उन्हें पहले 4 दिन हम ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उन्हें भी आइडिया होना चाहिए कि वो आगे क्या करने वाले हैं, और 5th डे हम उनका असेसमेंट लेते हैं, उनका मेमोरी रिटेंशन, टैक्टाइल स्किल्स कैसा है, कंप्यूटर स्किल्स कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, इंग्लिश का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ों पर हम उन्हें असेस करके फिर फाइनल शॉर्टलिस्टिंग करते हैं एंड देन उन्हें एनरोल करते हैं। ओके।
तो अब मैं फरहीन से थोड़ा बात करना चाहूँगी यहाँ पे. तो फरहीन, क्योंकि आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली है और आप ऑलरेडी मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर हैं और आपको एक्सपीरियंस है वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, तो आपने जब ये आप एग्जामिन करते हैं पेशेंट्स को, तो कुछ आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और जब आप ये एग्जामिन कर लेते हैं अपने पेशेंट्स को, उसके बाद का क्या, मतलब उसके बाद भी कोई मेडिकल टेस्ट कंडक्ट होता है आपके एग्जामिनेशन के बाद, आपकी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है? जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो थोड़े से वो नर्वस होते हैं, तो उन्हें हमें पहले कन्वेंस करना होता है. तो हमें उनके उन्हें हल्का हल्का बताते हैं कि हम क्या करेंगे और कैसे चेकअप करेंगे उनका, देन हम चेकअप करते हैं. और हमारे एग्जामिनेशन के बाद हम उन्हें सेल्फ बेस्ड एग्जामिनेशन बताते हैं. सॉरी. और जो हम मैम ने बताया था कि हमें कंप्यूटर पे डिटेल देना होता है, पेशेंट हिस्ट्री जो लेते हैं हम वो आगे डॉक्टर को भेजते हैं, और फिर डॉक्टर उस हिसाब से जो हमें मिलता है फाइंडिंग उसके अंदर, डॉक्टर उस हिसाब से फिर आगे चेकअप करवाते हैं, सोनोग्राफी, मेमोग्राफी, ये सब करवाते हैं. ओके. हाँ जी. तो यानी जब आप पेशेंट्स को, मतलब जो आपका फर्स्ट रिस्पांस होता है पेशेंट्स का, वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं जब आप उन्हें एग्जामिन करने आते हैं, तो आप किस तरह से उन्हें थोड़ा कंसोल करते हैं या उन्हें समझाते हैं कि किस तरह से आप आगे अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं? जैसे कि हम पहले उनसे हल्का हल्का बात करते हैं, उनका नाम, उनका एड्रेस वगैरह पूछते हैं, ऐसे करके हम उनको पूरा अच्छे से ब्रीफ करते हैं कि हम कैसे टच करेंगे और किस तरह हम आपका एग्जामिनेशन करेंगे, हम उनको ये सब बताते हैं. बिल्कुल. तो इस तरह तो वो हम से हर चीज़ फिर शेयर करने लगती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. देन इसी तरह हम अपना एग्जामिनेशन कंटिन्यू करते हैं आगे. ओके, थैंक यू. तो सोनल जी, जैसे कि ये एनएबी का इनिशिएटिव है, तो ये इस वक्त इंडिया में कहाँ कहाँ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? अभी ये इंडिया में हमारे सेंटर में नैब इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन हॉस्खास में हो रहा है. एंड हमने लास्ट ईयर कोविड से जस्ट पहले हमने बैंगलोर में भी स्टार्ट किया था. ओके. एंड बिकॉज ऑफ कोविड वहाँ के भी हमारे ट्रेनीज इंटर्नशिप के लिए वेट कर रहे हैं, और वी आर होपिंग कि हॉस्पिटल्स जल्दी से ओपीडीज ओपन कर दें एंड हम वापस से हॉस्पिटल में जा सकें. बिल्कुल. तो जैसा कि आपने बताया कोविड की वजह से आपकी सारी प्रैक्टिसेस अभी थोड़ी रुकी हुई हैं, तो इस बीच में आप कुछ, मतलब जो आपके ट्रेनीज हैं, आप उनको कोई और एक्टिविटीज या कोई और भी एग्जामिनेशन में बिजी रखते हैं, या फिर दे आर जस्ट सिंपली वेटिंग कि थोड़ा सिचुएशन ईज आउट हो और फिर वो वापस दे कैन यू नो प्रैक्टिस बैक? जो हमारे ट्रेनीज थे जो ऑलरेडी ट्रेन्ड है, जो एमटीज हैं हमारे, वो तो घर पे हैं बिकॉज अभी हॉस्पिटल में कुछ चल नहीं रहा है. बट जो ट्रेनीज हैं हम उन्हें बीच बीच में रिफ्रेशर कोर्स देते रहते हैं, बिकॉज ये पूरा प्रैक्टिकल होता है, तो ये इसमें टेक्निक्स इन्हें याद रखनी होती है, हम टेक्निक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. तो हम इन्हें रिफ्रेशर कोर्स देते रहते हैं, साथ साथ हम इन्हें एडिशनल कोर्सेज भी करवाते रहते हैं जो इनके फ्यूचर में हेल्प कर सकता है. एंड मीनवाइल हम अप्रोच कर रहे हैं, हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम कैंप्स भी करते हैं, हम RWAs में कैंप्स करते हैं, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, विलेजेस में. अभी हमने रिसेंटली लास्ट मंथ में एक MP के एक विलेज में हमने जाके कैंप किया है, वहाँ पे अराउंड 64 लेडीज़ को हमने स्क्रीन किया है. तो अब तक का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, एंड वी आर होपिंग कि कोविड जल्दी से जाए एंड हम लोग वापस से कैंप्स स्टार्ट कर पाए. बिल्कुल, यही उम्मीद रहेगी जितने भी हमारे ट्रेनीज, आपके ट्रेनीज हैं एनएबी में, और क्योंकि शबीना भी आपकी ट्रेनी है अभी करेंटली, तो शबीना आपको इस ट्रेनिंग के बारे में, ये जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला? मैम एक्चुअली मुझे मेरी सिस्टर के थ्रू पता चला, क्योंकि मेरी सिस्टर फर्स्ट बैच में MTE हैं, तो उन्होंने ही मुझे भेजा यहाँ पर कि ये ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी है और तुझे फ्यूचर में काफ़ी हेल्प कर सकती है. अच्छा, तो आपको कितना वक्त हो गया इस ट्रेनिंग को करते हुए, या फिर अभी आप कंटिन्यू ही कर रही हैं ट्रेनिंग यहाँ पर एनएबी में? ट्रेनिंग को तो टाइम हो गया है, क्योंकि ये कोविड की वजह से रुक गई थी. अभी हमारी इंटर्नशिप बाकी है. ओके.
तो शबीना जी, जैसे कि आपने बताया कि अभी आपकी ट्रेनिंग रुकी हुई है लेकिन अभी आपको पूरी करनी है, तो जैसे इस बीच में आप क्या अपने आप को, मतलब जो आप ये आपकी स्किल्स है जितना भी आपने ट्रेनिंग में अभी तक सीखा है, क्या आप ऐसा करती हैं कि वो आपके कॉन्सेप्ट वो आपके दिमाग में रहें? आप कुछ प्रैक्टिस करती हैं ऐसे घर पर, जैसे क्योंकि आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हैं ड्यू टू कोविड, तो क्या आप ऐसा करती हैं अपने घर पर, या फिर आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करती हैं जो आपको प्रेशर रखे, आपको अप टू डेट रख सके इस ट्रेनिंग में जो भी आपको पढ़ाया गया अभी तक? मैम, जो पढ़ाया गया है वो तो रिफ्रेश करते रहते हैं घर पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन जहाँ बात प्रैक्टिकल की आती है तो प्रैक्टिकल घर पर नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए हम बीच बीच में मैम से बात करके करते रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए दो लोग तो चाहिए ही, क्योंकि दूसरे बंदे पर हमें प्रैक्टिस करनी होती है उसकी बॉडी पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ये तो। और सोनल जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप ये जो जितने भी स्कूल आजकल नॉर्मल क्लासरूम्स चल रही हैं उसमें ऐसा क्या हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, जो इन वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में अवेयरनेस कर सके? मैं यही बोलूँगी कि अगर हम स्कूल्स में साइंस को थोड़ा और अच्छे से पढ़ाएं बच्चों को, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें टैक्टाइल मॉडल से, कोई स्पेशल एडुकेटर स्पेशली उन्हें एक्सप्लेन करे कॉन्सेप्ट, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कि आपने पहले के भी क्वेश्चंस में पूछा है कि अगर साइंस बैकग्राउंड रहता है तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है, तो अगर वो स्कूल से ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम डायरेक्ट उनको प्रोफेशनली अप फ्रंट पे ले जा सकते हैं। हमें उनका बेस फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके बेसिस पे फिर उनकी ट्रेनिंग भी कम हो जाती है एंड उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। बिकॉज जब उन्हें हम जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, सेल से स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें ये इतनी नई चीज़ लगती है कि स्टार्टिंग से ही उनका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है कि इतना टफ है, हम कैसे करेंगे, हमने कभी पढ़ा नहीं है। तो अगर स्कूल, हमारा भी जो स्कूल एजुकेशन है वो हमारे एम्प्लॉयमेंट में बहुत हेल्प करता है, उससे एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, तो अगर हम थोड़े कॉन्सेप्ट्स और क्लियर कर पाए तो हमारे लिए बेटर होगा एंड हम इसमें प्रैक्टिकल में ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। बिकॉज इसमें एक टेप यूज़ होती है, वो उस पर ब्रेल डॉट्स होते हैं उस टेप पे, उसको हम लोग डोकोस बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड ओरिएंटेशन सिस्टम, वो हमें जर्मनी से इम्पोर्ट करनी होती है। तो वो टेप के हेल्प से ये पूरे एग्जामिनेशंस करते हैं, तो हम प्रैक्टिकल में फिर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल, तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे एक्सपर्ट्स का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और स्पेशल वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए कि किस तरह से जो लो विजन स्टूडेंट्स हैं या जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से मेडिकल टैक्टाइल एग्जामिनेशन को अपना एज अ करियर चुन सकते हैं। तो एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी गेस्ट का, सोनल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विशेष जानकारी आज इस सेशन के लिए। तो हमारे इस सेशन में इतना ही, हमारे अन्य कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए NCERT ऑफिशियल और PMA विद्या चैनल। नमस्कार।